आप यहाँ बैठे अखबार पढ़ रहे, दुनिया की खबर है आपको, ये नहीं पता आपके अपने घर में क्या हो रहा है। ऐसी कौन सी कयामत आ गई? आपकी लाडली भांजी साहिबा क्या गुल खिला रही है, कुछ पता भी है आपको? वो क्या कर दिया उसने भाई? लो आ गई, खुद ही पूछ लीजिए किससे ये फोन पे बातें कर रही थी। सारा ये क्या सुन रहा हूँ? क्या बात है बेटा? अम्मी वो नाजिया कब आ रही है? वो मेरी बात हुई थी शायद शाम में। भाईजान इसकी दोस्त नाजिया जो घर पर आती है, मैंने उसे बुलवाया था, सोचा कि शादी करीब है तो कुछ काम उसके जिम्मे भी दे दिए जाएं। और कुछ? जब बात मुकम्मल पता ना हो तो वावेला नहीं मचाते हैं। लेकिन लेकिन वेकिन कुछ नहीं, मुझे सारा पर खुद से ज्यादा भरोसा है। बेटा सारा, मेरे भरम को कभी मत टूटने देना, ये इस घर की इज्जत का सवाल है। जी मामू, मुझे इस घर की इज्जत हर चीज से ज्यादा अजीज है। शाबाश। भाईजान आप बैठे, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। हाँ ठीक है। जैन ये लो, ये शेरवानी पहन के अभी ट्राई कर लो, कोई मसला हो तो बता देना, वरना बाद में ये दर्जी लोग ना हाथ नहीं लगते। साथ साथ हमें भी गंदी बीमारियों में मुब्तला करना है क्या? पैकेट पे इतना बड़ा बड़ा लिखा होता है कि तंबाकू नोशी मुजरे सेहत है, नजर नहीं आता तुम्हें क्या? जल्दी मरने का इतना शौक है ना, तो बाहर से पीकर आया करो। जल्दी से इसको ट्राई कर लो ताकि हम और भी काम कर लें। जाओ जैन। जी। फिर से ना पीने लग जाना।